दोस्तों, आप सभी अभिनेता धीरज धूपर को तो बखूबी जानते ही हैं, जिन्होंने सीरियल कुंडली भाग्य शो से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की है, जिसकी वजह से ये लोगों के दिलों पर छाए रहते हैं। हालांकि अब ये कुंडली भाग्य शो से जा चुके हैं, इसके बावजूद इनके फैंस इन्हें याद करते हैं। जहाँ ये हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बने रहते हैं, तो वहीं इनसे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि विनी अरोड़ा और धीरज धूपर अपने बच्चे को जन्म देने के बाद फूट फूट कर रोए हैं। जी हां, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह रही है जिसके कारण इन दोनों को इतना रोना पड़ा, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और अपने फेवरेट एक्टर धीरज धूपर के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 16 नवंबर 2016 को धीरज धूपर और विनी अरोड़ा ने शादी की थी। इसी के साथ आपको बता दें, विनी और धीरज की मुलाकात 2009 में माता पिता के चरणों में स्वर्ग सीरियल के सेट पर हुई थी, जहां दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार महसूस हुआ था। साल 2016 में शादी के बंधन में बंधने का फैसला करने से पहले दोनों ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया। मुंबई की लड़की और दिल्ली के लड़के ने राजधानी शहर में एक भव्य पंजाबी शादी की, और इनकी शादी काफी धूमधाम से हुई थी, जिनकी शादी फैमिली फ्रेंड्स शामिल हुए थे, और ये दोनों कपल आज भी एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। अब बात करें कि आखिर मम्मी पापा बनते धीरज धूपर और पत्नी क्यों फूट फूट कर रोए, तो आपको बता दें, ये दोनों काफी लंबे समय से पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक इन दोनों ने IVF का भी सहारा लिया था, इसके बावजूद कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आखिर में जब विनी अरोड़ा की प्रेगनेंसी की न्यूज इनके घर में आई, और 10 अगस्त को जब विनी ने बेटे को जन्म दिया, तो एक अलग ही खुशी का माहौल बन गया था। और बेबी को जन्म देने के बाद से तो दोनों इस कदर खुश हुए कि दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों को अपनी खुशी इतनी हो गई थी कि इनकी आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे, जिसका इन्होंने इतने लंबे समय से इंतजार किया था, वो खुशी इन्हें मिली है, जिसके लिए धीरज धूपर ने 15 दिन की छुट्टी भी ले ली है। और ये फिलहाल सीरियल शेर दिल शेर गिल की शूटिंग नहीं करने वाले, और अपने बच्चे और पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। वेल, दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।